हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। एमपी एडीपीओ के लिए जो भी कैंडिडेट्स थे उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। दो गुड न्यूज़ हैं एक्चुअली। क्या है, एक तो ये नोटिफिकेशन जो है आज का ही है, 30 तारीख का। सबसे पहली गुड न्यूज़, एक्चुअली में तीन गुड न्यूज़ हैं, ठीक है। पहली ये है कि आपका पहले एग्ज़ाम ऑनलाइन होना था, बट अब ये आपका ऑफलाइन होगा ओएमआर शीट पे। तो इसमें गुड न्यूज़ जैसा क्या है कि जब आप पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप कागज़ को हाथ में लेके पढ़ रहे हैं, है ना, बुक्स देख रहे हैं, तो एकदम से जब आप एग्ज़ाम देने ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ से वो मैच नहीं कर पाता, और इस वजह से आपकी एफिशिएंसी में कई बार प्रॉब्लम आती है ना। और जो लोग कंप्यूटर से अवेयर नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। नंबर टू जो यहाँ पर न्यूज़ आ रही है वो ये है डेट को लेकर के। पहले आपका एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को होना था, अब ये आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होगा, जो कि लगभग ये मान के चलो 2 महीना डेट आगे बढ़ गई है। तो ये आपके लिए इन एडिशन है 2 मंथ्स। अभी भी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 3 महीने आपको मिल गए पढ़ाई करने के लिए। तो ये दो गुड न्यूज़ हो गई। तीसरी गुड न्यूज़ जो है वो सिलेबस को लेकर के है। एग्ज़ाम स्कीम सेम है, 150 नंबर की GK, 300 की लॉ, 450 का टोटल, देन 550 की इंटरव्यू, एंड टोटल जो मेरिट बनेगी वो 500 में से। इसमें कोई चेंज नहीं है, नेगेटिव भी है, 1/3 नेगेटिव है। और जो मेन चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं सिलेबस में। सिलेबस भी लॉ के सिलेबस में चेंज हुआ है, GK में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ कुछ बदलाव इस तरह से हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऐड किया गया है, और इसके अलावा, ये तो मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। कुछ सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। इस तरह से पहले जो आपके सिलेबस था 28 सब्जेक्ट का, अब वो हो गया है लॉ में 32 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कौन से नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये नया ऐड किया गया है, ठीक है। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये नया ऐड किया गया है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ये नया जोड़ा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ एमपी के जो लोकल हैं वो काफ़ी जोड़े गए हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये नया जोड़ा गया है इसके अंदर, ठीक है। और ये आते हैं लास्ट यूनिट जो है एमपी के लोकल एक्ट्स हैं, उसके अंदर देश गौवंश वध प्रतिनिषेध अधिनियम 2004, ठीक है। ये जो है आपके टोटल एक आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी नया जोड़ा गया है, एक आपके एक्सप्लोजिव एक्ट भी नया जोड़ा गया है। तो मोटा मोटा अगर हम आइडिया लें तो आपके लॉ में 10 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है और 6 सब्जेक्ट को डिलीट किया गया है। पहले आपके 28 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसमें से 6 हट गए हैं और 22 में 10 नए जुड़ गए हैं। तो अब आपका जो टोटल हो गया है सिलेबस वो है 32 सब्जेक्ट्स का। इनकी आप तैयारी कर सकते हैं, अभी से लग जाइए, अभी भी आपके पास पूरे 2 महीने हैं, कर सकते हैं। और ये GK का सिलेबस है, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और फॉर्म आपने भर ही चुके हैं, अब OMR में है तो OMR प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड और इस तरह की वीडियो के लिए, लीगल अपडेट्स के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए टेस्ट सीरीज़, तो हम इससे पता लग जाएगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं या लेना चाहते हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग उसका प्लान भी कर सकते हैं लॉ की टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। GK की टेस्ट सीरीज़ नहीं होगी, लॉ की टेस्ट सीरीज़ उसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।